पूजा तो मैं करूंगी, पर तेरे लिए नहीं यामिनी, मेरे लिए। पूजा के बाद ये नागमणि मैं पाऊंगी। कल पूजा के बाद मैं अमर हो जाऊंगी और तुम दोनों को मार दूंगी। कल के बाद मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं। कल पूजा होते ही ये नागमणि भी मेरी और ऋतिक भी मेरा। कल ये मणि मिलते ही डस लूंगी तुम दोनों को। नागिन हूं मैं। मैं इस नागमणि को छू क्यों नहीं सकी? क्योंकि इस नागमणि का असली हकदार है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह के हाथों से इसने मणि ली थी, इसलिए जब तक पूजा खत्म नहीं हो जाए इस मणि का हकदार सिर्फ ये है यामिनी। और वैसे भी इच्छाधारी नाग नागिन मणि के रखवाले होते हैं, हकदार नहीं। पर कल पूजा होते ही सारे पासे उल्टे पड़ जाएंगे बुढ़िया। कल पूजा में कोई बाधा ना आए इसलिए मुझे शिवन्या को रास्ते से हटाना होगा। मैं हूं ना, मैं बताती हूं क्या करना है। ये दूध मेरी बहन की जिंदगी के लिए आखिरी सांस बन जाएगा। वो कैसे? अपनी अंगूठी निकालो। मैं क्या लिखवा के आई हूं कि मैं बेवकूफ हूं? नागिन मेरे सामने खड़ी है, मैं ये अंगूठी नहीं निकालूंगी। अंगूठियां तो उनके हाथों में भी थी जिनको हमने मार डाला। अगर ये अंगूठी निकालेगी तो तेरे गले में भी तो एक है ना। शिवन्या को रास्ते से हटाना है ना। अगर साथी बने हैं तो विश्वास और साथ दोनों देना होगा। अरे मुझे नहीं, इसका पत्थर निकाल के दूध में डाल। एक वो वक्त था जब अपनी जान पे खेलकर तुमने अपनी बहन की जान बचाई थी और आज उसी के दुश्मन बन गई हो तुम। अब ऋतिक को पाने के लिए तुम अपनी बहन की जान लोगी? शिवन्या की जान ऋतिक में बसती है, ऋतिक के बाद वो जी नहीं सकेगी। उससे जुदा होके वो मर जाए इससे अच्छा है कि ये दूध पीकर ही मर जाए। बेचारी शिवन्या नहीं जानती कि ऋतिक मेरा प्यार है। उसके इंतकाम के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उस जिंदगी में सिर्फ ऋतिक होगा, मैं कहीं नहीं। तो क्यों ना मैं भी वो पालू जो मुझे चाहिए। कितना बुरा लग रहा होगा तुम्हें। तुम्हारी बहन के लिए उसका बदला और उसका ऋतिक, ये दोनों ही इसकी जिंदगी है। उसका बदला उसका मकसद है और ऋतिक उसके जीने की वजह। शिवन्या को अपना इंतकाम भी चाहिए और ऋतिक भी। अगर वो सिर्फ अपने बारे में सोच सकती है तो मैं क्यों नहीं। ये दूध इंसान और नागिन दोनों के लिए जहर है। मौत मौत। आज तो वो नागिन दिव्या को मार ही देती। उसने सिर्फ दिव्या को बेहोश किया था, चाहती तो मार भी। पता नहीं आज किसे मारने आई थी इस घर में, पता नहीं उसके क्या इरादे। आज तो खुलेआम आ गई थी। कम से कम ये नागिन सामने से तो वार करती है, पर वो दूसरी नागिन वो बहुत खतरनाक है, जिसे आज तक मैंने देखा नहीं। नफरत करता हूँ मैं उससे। वो दूसरी नागिन मैं हूँ,
जिस दिन तुम ये जान जाओगे क्या करोगे ऋतिक? छोड़ो उसे, तुम्हारी चोट कैसी है? अब ठीक है, मैं फ्रेश हो गया था। मैं निर्दोषों को मारने नहीं आई हूं ऋतिक, मैं तो यहां सिर्फ अपने माँ बापा के कातिलों से इंतकाम लेने आई हूं। शिवन है बेटा, माँ आप मैं और ऋतिक अभी आपके ही बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, नागिन ने आपका जीना हराम करके रखा है ना? बताया अभी ऋतिक ने नीचे क्या क्या हुआ। तुम नागिन के बारे में सोच रही थी लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। आज तुम्हारा व्रत है ना, लो तुम्हारे लिए दूध लाई हूं। पी लो। क्या हुआ, पी लो ना। मां नहीं, तो इसमें कोई बहुत ही जहरीला जहर है, ये मुझे मारने आई है। अभी नहीं माँ, मैं बाद में पी लूंगी। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? मेरा व्रत टूटने में अभी थोड़ा वक्त है। ठीक है, लेकिन बाद में याद से पी लेना। जी माँ। इतनी आसानी से नहीं मरूंगी यामिनी जी। यामिनी जी, नागिन हूं मैं। नागिन हूं मैं। तुम्हें पता है बचपन में माँ दूध डांट के पिलाती थी और अब याद से उन्हें पता है कि मैं सोने से पहले दूध पीता हूँ। ये दूध मेरे लिए, मेरा व्रत है ना आज। अरे तो दोनों साथ में पीते हैं ना? वो क्या है ना, एक साथ खाने पीने से है ना प्यार बढ़ जाता है। लाओ मुझे दो। ऋतिक नहीं, ऋतिक मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी। ऋतिक मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ तो कहो ना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या कहा तुमने? मुझे तुमसे प्यार हो गया। एक बार फिर से कहो ना प्लीज यार। मैं मुझे तुमसे प्यार हो गया। प्यार हो गया। मौत की कहानी प्रेम कहानी बन गई यहां तो। नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं मिलने दूंगी। ऋतिक रहेजा, शिवन्या रहेजा को तुमसे प्यार हो गया, करेक्ट? एक बार फिर से कह दो ना। मुझे प्यार हो गया ऋतिक। क्या ऋतिक? किससे? किससे? तुमसे। तुम एक बार फिर कहो ना। I love you. I love you. Yeah! क्या कर रहे हो? सारे घरवाली यहीं आ जाएंगे। तो आ जाने दो, इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था। उन्हों पर दूध गिर गया। सॉरी, गलती से। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ग्लास लेकर आता हूँ। अरे पहले मेरा प्यार तो देख लो।